नमस्ते दोस्तों, मीनू के हरे भरे छत पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और आज है पहली तारीख। तो फरवरी में बहुत सारे काम होते हैं गार्डन के। यदि आप गार्डन बनाए होंगे कहीं पर भी, छत पर या फ्रंट में, तब भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं वो अभी जाड़े के समय में डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए थे, जिनमें कि ग्रोथ वगैरह नहीं हो रहा था। और जितने इंडोर प्लांट्स होंगे सारे जो है कि डॉर्मेंसी में थे। तो अब फरवरी का महीना आ गया है, तो सारे पौधों में जो परमानेंट प्लांट्स हैं और जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ काम करना होता है फरवरी में। जब स्टार्ट में ही आप कर देंगे तो आपके जो परमानेंट और इंडोर प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेंगे, और बहुत जल्दी ही उसमें, यदि फूल वाले पौधे होंगे तो उसमें फ्लावरिंग होने लगेगी, और इंडोर प्लांट होंगे तो उनमें हरे भरे पत्ते हो जाएंगे। और जितने भी सब्जी लगाते हैं जितने भी दोस्त अपने गार्डन में, तो इस समय मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है तो जितने भी गार्डनर होते हैं, जो भी गार्डन अपना तैयार करते हैं चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो उन्हें थोड़ा वर्क करना पड़ता है। क्योंकि सब्जी भी यदि आप लगाएंगे तो अभी तक आपने ठंडी वाली सब्जियाँ, विंटर वेजिटेबल अपने गार्डन में लगाया हुआ था, और अब हमें समर सीजन की सब्जियां लगानी होंगी, तो जिसके लिए बहुत सारा सीड और प्लांट्स तैयार करना पड़ेगा और मिट्टी वगैरह तैयार करनी पड़ेगी। तो आज मैं सब्जियों की बात नहीं कर रही हूं दोस्तों, आज पहली फरवरी को मैं अपने छत पर क्या क्या काम कर रही हूं वही इस वीडियो में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। हो सकता है उससे आपको भी कुछ नई जानकारी मिले। तो चलिए देखते हैं आज पहली फरवरी को मैंने कितना काम किया अपने छत पर, क्योंकि छत हरा भरा देखने में बहुत सुंदर लगता है और देखने वालों को ऐसा ही लगता है कि जैसे बहुत ही आसान है, लेकिन घंटों घंटों वर्क करने के बाद ही 8-10 मिनट की वीडियो बन पाती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा काम किया है हमने। देखिए दोस्तों, जितने भी मटके में मैं किचन वेस्ट भरी थी सब में कुछ प्लांट लगा दी हूँ। यहाँ पर देखिए टमाटर का कुछ प्लांट लगाए हूँ इस मटकों में, और यहाँ पर ये मैरीगोल्ड गेंदे के पौधे को जो कटिंग से मैं तैयार की थी वो लगा दी हूँ। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, यदि किसी भी वेस्ट को डिकम्पोज करना है आपको, तो इस तरह से वेस्ट को भर लें किसी पार्ट में और उसमें एक पौधा किसी चीज़ का आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी वेस्ट होता है हमारा वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, उसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही दुर्गंध आता है। इस तरह से पौधा भी ऊपर लग जाएगा, और या फूल हो या सब्जियों का पौधा यदि आप लगा देंगे तो इस तरह से पौधा भी लगेगा और उसमें फूल या सब्जियाँ भी लगेंगी, और नीचे जो है कि वेस्ट जो डिकम्पोज होकर के एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन जाता है। तो इस तरह जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जितने भी वेस्ट होता है, या वो सूखे पत्ते हो या किचन वेस्ट हो, सबको मैं इसी तरह से भर के पाट में या मटके में कोई ना कोई पौधा लगा देती हूँ। तो ये रहा दोस्तों एक काम मेरा। और दूसरा देखिए, यहाँ पर संजीवनी पारचुलाका का पौधा लगा हुआ था और आप लोगों ने देखा एकदम सूख गया था, तो इसे मैं पूरा सफाई कर दी हूँ और ऊपर का भी की हूँ। तो यहाँ से कई पार्ट मेरे ख़राब हो गए हैं, अभी मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बैटरी का पानी पहले आता था, इन्वर्टर के बैटरी का पानी, तो इसी को काट के मैं बनाई थी, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो ये सारे ख़राब हो गए थे पार्ट, तो मैं हटा दी। और यहाँ पर ये पार्ट, ये भी तो काफ़ी पार्ट ख़राब हो गए हैं, तो सबको हटा दी मैं, क्योंकि पार्ट टूट गया है तो उसी तरह रहेगा तो पानी वगैरह देने में सारा गिर जाता है, तो हटा दी मैं। और जितना भी पारचुलाका का जो ये वेस्ट निकला है देखिए यहाँ पर,
आप देख रहे हैं। तो इसे मैं इसी तरह से एक प्लास्टिक में इकट्ठा कर रही हूँ, फेंकूँगी नहीं। और जब भी मैं सब्जियों का पार्ट खाली करके भरूँगी तब उसमें नीचे डाल दूँगी। और दूसरा काम देखिए, अगला काम देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ पौधे अपने गार्डन में ऐड कर ली हूँ, क्योंकि फूल वगैरह वाले पौधे मेरे छत पर बहुत ही कम है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बेला का पौधा है जो कि मैं कटिंग से ही तैयार की थी फ्रंट गार्डन में, और मैं ट्रांसप्लांट कर ली हूँ। और यहाँ ये एक लीफा का पौधा है जो कि इसमें फूल नहीं आते, पत्ते ही बहुत ही सुंदर लगते हैं, डेकोरेटिव प्लांट है ये आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। तो दो प्लांट में एक लीफा का ट्रांसप्लांट कर ली हूँ। और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं सोची जब ये ग्रोथ करने लगेगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, तो मैं वीडियो बना करके डाल दूँगी कि कैसे मैंने लगाया है। ये भी मैं कटिंग से ही तैयार कर ली हूँ, और ज़्यादातर पौधे मैं खुद ही कटिंग से या सीड द्वारा फ्री में ही तैयार करके अपने गार्डन में ऐड करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, और अभी मैं पूरा सफाई की अच्छे से और साफ़ करने के बाद यहाँ देखिए सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से फूल वाले पौधे आप अपनी छत पर लगाए हों तो क्या करें कि जितने भी परमानेंट पौधे थे फूल वाले, तो उसमें देखिए इस तरह से एक खरपतवार निकल गया होगा, तो उसे पहले आप निकाल लें और इस तरह से अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। और गुड़ाई करने के बाद आप चाहे तो अपने प्लांट को यदि कोई शेप देना चाहते हैं तो आप कटिंग मतलब प्रूनिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग चाहे तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हार्ड प्रूनिंग हुआ है, और अभी मैं पूरा इसे शेप दूंगी, हार्ड प्रूनिंग करके कट कर दूंगी यहाँ से। और आप चाहें तो सॉफ्ट प्रूनिंग, तो सॉफ्ट प्रूनिंग में देखिए यहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आप पिंच कर देंगे, फूलों वाला पौधा हो या कोई भी, तो वो आपका पौधा एकदम बूसी हो जाएगा, घना हो जाएगा। और इस तरह से गुड़ाई करने के बाद आप कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर से ऐड कर दें। और पहली बार आप जब भी प्लांट में इस तरह से फरवरी में तो फर्टिलाइज़र ऐड करने जाने या कंपोस्ट, तो नाइट्रोजन रिच ही फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालें दोस्तों, क्योंकि अभी डोरमेंसी के बाद थोड़ा सा ग्रोथ पौधा ले लेगा जब नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट मिलेगा उसे। और ग्रोथ लेने के बाद फिर जब फ्लावरिंग स्टेज पर आएगा तो उसमें दूसरा फर्टिलाइज़र हम ऐड करेंगे। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र यदि आपको डालना है तो बहुत सारा मैं अपने चैनल पर बना के डाली हूँ वीडियो, आप देख सकते हैं। और वहाँ से नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट आप अपने पौधे में प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करके आप डाल सकते हैं फरवरी के पहले सप्ताह में। ये सारे काम आप भी कर लीजिए आप यदि अपने गार्डन छत पर या कहीं पर भी बनाए हैं। तो देखिए ये रहा वर्क आज का दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।